कोरोना वायरस को लेकर जो एक विश्वव्यापी चिंता है, निश्चित तौर पे हर आम और ख़ास व्यक्ति इस समय अपने भविष्य को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। सरकारें, तमाम मुल्क की सरकारें, राज्यों की सरकारें अपने अपने स्तर पर इस महामारी से निपटने के प्रयास कर रही है, लेकिन इसका अंत कहाँ होगा, ये गली का आखिरी छोर क्या होगा और उस छोर पर क्या जीवन खड़ा मिलेगा, इसे लेकर सबके मन में संशय है। देखिए, आज से एक महीने पहले यदि हम मार्च के शुरुआती हफ्ते की बात करें तो किसी ने नहीं सोचा था कि अप्रैल के जब हम पहले या दूसरे हफ्ते में जाएंगे तब तक ये इतनी विकराल हो जाएगी ये बीमारी कि हम सभी को लॉकडाउन के तहत घरों के अंदर कैद होना पड़ेगा, क्योंकि इसका इलाज ही लॉकडाउन है। हम जैसे जैसे बाहर निकलेंगे वैसे वैसे संक्रमण का खतरा बढ़ता जाएगा। सरकारों के प्रयास अपने स्तर पर काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या का बहुत दबाव है, वहाँ पर कितने भी प्रयास होंगे वो हमें आधे अधूरे ही लगेंगे। इसलिए खुद का बचाव इस बीमारी का सबसे प्रमुख उपचार है। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घरों पर बिताएं, परिवार के साथ रहें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि क्वालिटी टाइम इस समय सिर्फ घर पर मौजूद है, बाहर बिल्कुल नहीं है। बाजार बिल्कुल सुनसान है, बाजार में सिर्फ एक डर है, एक भय है, और उससे बचने के लिए हमको अपने परिवारों के तक ही खुद को सीमित रखना पड़ेगा। अब हम बात करें कि ये इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है। फिर एक और जो सबसे प्रमुख बात है, जो एक सकारात्मक पहलू है इसका भारत को लेके, कि जिस रफ्तार के साथ भारत में ये फैल सकता था उस रफ्तार को काफ़ी हद तक यहाँ की सरकारों ने और आम नागरिकों ने उसको कम किया है। देखिए, भारत की जनसंख्या विश्व के किसी भी देश के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। उस अनुपात में देखें तो यहाँ पर अब तक काफ़ी फैल जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्टेप उठाया, जो लॉकडाउन का जो स्टेप उठाया 21 दिन का, निश्चित तौर पर इस पर विवाद हो सकता है कि राहुल गांधी उसमें फरवरी में ही इसमें आगाह कर चुके थे, यदि उस समय लॉकडाउन का फैसला हो जाता तो शायद इतना भी नहीं फैलता। लेकिन ठीक है, इसके बावजूद यूरोपीय देशों में आज जो भारत की तारीफ हो रही है वो इसी बात को लेकर हो रही है कि भारत ने समय से ये फैसला ले लिया और एक कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ जो ये बीमारी बढ़ रही थी उसको रोका। यदि तीसरे चरण में ये पहुँच जाता है, जिसकी के भी आशंका बनी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर यदि ये इसको हम रोक लेते हैं तो भारत जैसे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि इससे सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, इससे आर्थिक सेहत भी बहुत ख़राब हो रही है। कई कल कारखाने बंद होने की कगार पे है, कई छोटे उद्योगों की कमर टूट जाएगी, कई नौकरियां सरकारी नौकरियों में भी इसका असर आएगा, क्योंकि सरकारों के सामने भी पैसा कहाँ से आएगा। GST से जो पैसा आता है वो लोगों के माध्यम से ही आता है, वो बाज़ार नहीं खुलेंगे, सामान उपलब्ध नहीं होगा, तो ये पैसा राजस्व का संग्रहण कैसे होगा। यदि राजस्व का संग्रहण नहीं होता है तो जो चीज़ें हमारे ऊपर सरकार खर्च करती है, जो टैक्स हम देते हैं और जो हम पे ही खर्च होता है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के माध्यम से, वो कहाँ से आएगा। तो एक बाज़ार में एक बहुत तगड़ा स्लोडाउन आने वाला है। उस स्लोडाउन से यदि हमको निपटना है तो यही दुआ करें कि ये जो संक्रमण है जल्दी से जल्दी नष्ट हो। और इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमको अफवाहों से बचना है। एक किसी भी बीमारी में या किसी महामारी में एक अफवाह एक बहुत बड़ा साधन होता है जिससे लोग भयभीत होते हैं। अब जैसे एक अफवाह चल रही है कि अखबार पढ़ने से या अखबार घर में आने से ये संक्रमण फैलता है, जबकि ऐसा है नहीं। पर इस अफवाह के चलते लाखों लोगों ने अपने घरों में अखबार बंद करा दिए, लोग डिजिटल मीडिया की तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये इन सब चीज़ों पर भी लोगों को सोचना होगा। ये निश्चित तौर पे वो सुबह ज़रूर आएगी जब हम इस बीमारी से बाहर आएंगे और भारत फिर अपनी जो प्रगति के जो पथ है उस पर आगे बढ़ता जाएगा। ये समय ज़रूर थोड़ा सा हमें अंधकार सरीका लग रहा है, लेकिन ये अंधकार स्थायी नहीं है। माहौल बनाए रखिए, सूरज का आना लगभग तय है। नमस्कार।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।